जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेली थी और इस 3 T20 मैचों की सीरीज में भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया है। लेकिन इस अफगानिस्तान के साथ खेली गई 3 T20 मैचों की सीरीज से साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की BCCI ने तैयारी शुरू कर दी थी और उसके लिए साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI अपनी टीम लगभग तय कर चुका है। बताएंगे हम आपको वह कौन से 16 खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और वेस्टइंडीज की धरती पर धमाल मचाने के लिए BCCI ने तय कर दिए हैं, और इन पर 16 खिलाड़ियों में कौन से वह खिलाड़ी हैं जिनको की बेहतरीन प्रदर्शन होने के बावजूद भी टीम में मौका नहीं दिया गया है, जबकि किन खिलाड़ियों को मौका देकर BCCI ने सभी को चौंका दिया है। सबसे पहले आपको बताते चले, अब की बार T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाना है और इसके लिए शुरुआती फेज के कुछ मुकाबले अमेरिका की धरती पर खेले जाएंगे, जबकि क्वालिफायर, सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले वेस्टइंडीज की धरती पर खेले जाने हैं। और आपको यह भी बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 1 जून से स्टार्ट होकर 29 जून तक खेला जाना है, जिसमें अब की बार दुनिया भर की 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, अब की बार साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए 20 टीमों ने क्वालिफाई किया है, और अगर उन सभी टीमों में देखा जाए तो भारत की टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है। आपको यह भी बताते चले कि इन 20 टीमों के बीच 55 T20 फॉर्मेट के मुकाबले खेले जाने हैं और 29 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, और उसके लिए BCCI ने अब की बार एक बार फिर से अपनी टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में दे दी है, क्योंकि BCCI का मानना है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में मिली वर्ल्ड कप के हार का दर्द रोहित शर्मा से ज्यादा कोई और महसूस नहीं कर सकता। ऐसे में रोहित शर्मा को एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी देकर BCCI ने यह साबित कर दिया है कि रोहित शर्मा ही वह कप्तान है जो कि साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत की टीम को जिता सकते हैं, जबकि उपकप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या टीम में उपकप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं, साथ ही साथ ऑलराउंडर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस 16 सदस्यीय टीम की जो कि BCCI ने साल 2024 के वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के लिए लगभग तय कर दी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ओपनर के तौर पर BCCI ने 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को चुना है। इसमें सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का आता है, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में अपना 5वां शतक लगाकर T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि भारत के लिए अभी तक 150 T20 फॉर्मेट के मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 4000 रन है और साथ ही साथ 5 शतक और 29 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं। जबकि दूसरे बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को चुना गया है, जो कि अपनी सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी गेंदबाज की दिशा और दशा को भंग करने के लिए मशहूर हो चुके हैं, जो कि हाल ही में अफगानिस्तान के साथ खेली गई सीरीज में गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे और जो कि अपने खेले गए 17 T20 फॉर्मेट के मुकाबलों में ही 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें उनके नाम 4 अर्धशतक और 1 शतक भी है। जबकि तीसरे बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल को मौका दिया गया है। हालांकि शुभम गिल के T20 फॉर्मेट में आंकड़े उतने शानदार नहीं है, क्योंकि शुभम गिल ने अपने 14 T20 फॉर्मेट के मुकाबलों में 310 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम सिर्फ 1 शतक और 1 अर्धशतक है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक 4 बल्लेबाजों को चुना गया है, जिसमें सबसे पहला नाम रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली का है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली जो भारत के लिए 117 T20 फॉर्मेट के मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 4000 से ज्यादा रन है और विराट कोहली 1 शतक और 37 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया है, जो कि T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है, जो कि हाल ही में साल 2023 के वर्ल्ड कप में अपनी गजब की बल्लेबाजी से भारत की टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर पहुंचे थे। जबकि चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में भारत के सबसे बड़े फिनिशर बनकर उभरे रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में शामिल कर लिया गया है, जिन्होंने अपनी फिनिशर की भूमिका से सभी का दिल जीता हुआ था और चयनकर्ताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचकर टीम में जगह बनाई है। जबकि वहीं बात की जाए अगर विकेटकीपर सेक्शन की, तो विकेटकीपर सेक्शन में सबसे खतरनाक 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल कर लिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम KL राहुल का आता है, जो कि भारत के लिए 72 T20 फॉर्मेट के मुकाबलों में 2200 से ज्यादा रन बनाने के साथ साथ 2 शतक और 22 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं। जबकि दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि ईशान किशन के भी T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड उतने शानदार नहीं है, लेकिन ईशान किशन को एज ए बैकअप विकेटकीपर टीम में शामिल किया गया है। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात की जाए, तो ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे खतरनाक 2 ऑलराउंडरों को मौका दिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम हार्दिक पांड्या का है, जो कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी कमाल का प्रदर्शन करना जानते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम की उपकप्तानी
बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि दूसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, जो कि भारत के लिए 50 टी20 फॉर्मेट के मुकाबलों में 45 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और 381 रन भी बना चुके हैं। स्पिन गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई के हाथों में रहने वाली है। जहां कुलदीप यादव साल 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, तो वहीं रवि बिश्नोई अपनी स्पिन होती हुई गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को चकमा देकर आउट करने की क्षमता रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए तेज गेंदबाजी की, तो तेज गेंदबाजी की कमान एक बार फिर से भारत के मुख्य गेंदबाजों के हाथों में रहेगी। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार जैसे गेंदबाज टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को घुटनों पर टिकाकर भारत की टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार रहने वाली है भारत की 16 सदस्यीय टीम।